गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर के चेस्ट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक ओझा के द्वारा चिकित्सालय के आवासीय चिकित्सकों के लिए सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सीओपीडी संगोष्ठी का शुभारंभ गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी द्वारा किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ चेस्ट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक ओझा ने बताया कि देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से ग्रसित है। 10 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष इस बीमारी के द्वारा होती है। ज्यादातर यह बीमारी धूम्रपान करने वालों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे कोयले और लकड़ी पर खाना बनाने वाली महिलाओं को होती है। डॉक्टर ओझा ने आगे बताया कि इस रोग में श्वास की नलियों में स्थायी सूजन हो जाती है, खांसी आना, सांस फूलना, गले से सीटी जैसी आवाज आना इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इस बीमारी की पहचान स्पायरोमीटर नामक मशीन के द्वारा की जाती है। बीमारी के गंभीर रोगियों में आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण जाँच होती है, जिसके द्वारा खून में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता चलता है। अस्थमा के मरीज का जिनका इलाज समुचित ढंग से नहीं होता है उनमें इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर शशांक ने बताया कि इस बीमारी की 4 अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था का इलाज अलग अलग होता है। वैश्विक संस्था गोल्ड के गाइडलाइन के अनुसार उपचार करना ही उचित होता है। इस बीमारी का असर फेफड़े, श्वास एवं नलियों के अलावा शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। इनहेलर के द्वारा दी जाने वाली दवाइयां ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। यदि मरीज की बीमारी स्टेज के अनुसार उपयुक्त इलाज नहीं चलता है तो आगे ऐसे रोगियों के खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके लिए बाईपैप मशीन एवं वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। इम्फाइसीमा के मरीजों में ब्रांकोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रांकोस्कोप के द्वारा फेफड़े के खराब में वॉल्व डाला जाता है। संगोष्ठी में चिकित्सालय के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह, सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवी प्रसाद, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, डॉक्टर आरपी पांडे एवं चिकित्सालय के आवासीय चिकित्सक डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर अशोक दुबे, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर डीएन सिंह, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर के मिश्रा, डॉक्टर डीएन गुप्ता आदि उपस्थित थे। आप उसका वेट ले रहे फर्स्ट एक्टिविटी कोई जैसे लगा अब नहीं सही से लगा 34 बता दिया आपने अरे बाप टिकल वेट कर रहे हो फर्स्ट एक्टिविटी आप टर्न देखो ना टर्न हम लोग भी पीछे से अगर ब्यूइस है तो एक्टिविटी 88 के नीचे है 88 के नीचे है तो 80 की डिमांड है। अब आपके ऊपर आपने एक लीटर लगाया 2 लीटर लगाया 1 लीटर पर अगर आपका 95 अगर किसी के 6 लीटर पर 95 के ऊपर आ रहा है 6 लीटर लगाओ एबीजी निकाल लो एबीजी CO2 देख लो CO2 बढ़ा होगा बाईपैप लगा लो। अब बाईपैप जो है यूजली हम देखते हैं आर्गनोलोजन कहेंगे आप पेशेंट फ्लैट मत जाओ भैया ठीक है हमेशा बैक रेस्ट 45 डिग्री पर होना चाहिए ठीक है कम से कम उसकी डायफ्राम को रिलैक्स रखो। अब आप उसको फ्लैट में डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और भी जो है लंग्स जो है कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखो जैसे एम्फाइसीमा को पहचानने के लिए है ना क्योंकि सीओपीडी में दोनों चीजें हैं क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है एम्फाइसीमा है तो बेसिकली अगर आपको एम्फाइसीमा देखना है बुल्ला देखना है तब आप सिटी कराओ। वैसे सिटी कराने में क्या जब कोविड का पीरियड चल रहा था तब कहा गया था कि सब प्रोन पोजीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए क्या ये सही है? हाँ सर मैक्सिमम प्रोन पोजीशन में करेंगे पेशेंट रिलैक्स रहेगा सर। ऊपर हमारा परफ्यूजन ज्यादा होगा एयर ज्यादा जाएगी और नीचे की तरफ एयर कम जाएगी तो नीचे की तरफ हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट है तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ परफ्यूजन कम होता है ऊपर की तरफ परफ्यूजन ज्यादा होता है तो उसको बाईपैप लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हाँ सर ये बहुत ज्यादा